हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो इस ट्रैवल सीरीज का लास्ट वीडियो है। मेरे कश्मीर वाले पूरे गुलमर्ग ब्लॉग का ये लास्ट वीडियो है और ये मेरा मतलब लास्ट डे था वहाँ का। तो आइए चलते हैं वीडियो पर, देखते हैं कैसा था वो दिन, कैसा था वो सब। सो लेट्स गो। तो अभी मैं घूम रहा हूँ गुलमर्ग के गोल्फ कोर्स पे, जो कि दिख रहा है स्नोफॉल चल रहा है बहुत तगड़ा। और सही बताऊँ, यहाँ पे दूर दूर तो बर्फ़ है ना, पूरा वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। अरे बर्फ में चल रहे हैं वो, अभी कहीं से वाइट वॉकर्स निकल कर आएंगे। पर एक सीन है, यहाँ पे बहुत कुछ है करने को, जैसे स्की हो गया और एक इनकी बग्गी से उसमें बिठा के चलाते हैं कराते हैं, तो बहुत है और काफ़ी अच्छा है। मैं भी अभी स्की करने ही जा रहा हूँ, आगे जाता हूँ और करते हैं स्की। पहले तो मैं बताऊँ, मुझे थोड़ा बहुत स्कीइंग आता भी है, मैंने पहले सीख भी रखा है तो हाँ, पर बहुत टाइम हो गया सीखे भी, तो देखते हैं मैं कैसे करता हूँ, आई एम नॉट श्योर। और फिलहाल तो अभी अभी मैंने स्की करी है और सच में बताऊँ बहुत मज़ा आता है। स्की आप जितनी बार करो आपको उतनी बार मज़ा आएगा, और आपका ना मतलब ऐसा रहता है मन नहीं भरता, और टाइम कब में निकल गया कुछ नहीं पता। अभी लगभग मैंने 2-3 घंटे स्की किया और सही में पूरा मतलब पता ही नहीं चला मुझे कब में हो गया। पूरा ये जो ट्रैक है पीछे इसके 5-6 चक्कर लगाएंगे मैंने, और सही में तो ऐसा है। और बर्फ़ भाई आप देखो, बाल वगैरह सब एकदम बर्फ़, तगड़ी बर्फ़बारी तगड़ी, और ऐसे में स्की करने का मज़ा ही अलग है। तो और यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत लोग जैसे यहाँ पे गाड़ी रहती है, और अभी स्की करके मैं बैठा हूँ बहुत टेस्टी मैगी खाने, एंड माय मैगी इज लाइक मतलब कैसे बन रही है। मैगी इज रेडी, यम यम, मैगी इज रेडी। तो अभी मैं स्की करके वापस जा रहा हूँ, और आपको स्क्रीन पे बिल्कुल वाइट दिख रहा होगा, आई मीन कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कुछ है नहीं, देखो पब्लिक है, लेकिन यहाँ पे विजिबिलिटी इतना कम हो गया क्योंकि एक ही एक धुंधली धुंध सी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये वही जगह है जहाँ का मैंने कल आपको फोटो व्यूज दिखाए थे अपने, जहाँ पे मैंने आपको पहले के शॉर्ट्स दिखाए थे। और इस समय बहुत टफ हो रहा है चलना भी टफ हो रहा है, क्योंकि आँखों में सामने से स्नो आ रही है, सामने से बर्फ़ आ रही है आँखों में, और मैं अपना चश्मा भी नीचे रख दिया मतलब पॉकेट में है मेरी। और एज यू सी पूरे कपड़ों पे जूतों पे सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़, और इस समय आपको पीछे बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा मैं क्रोमा शूट कर रखा या वाइट बोर्ड शूट है, लेकिन नहीं, यहाँ पे है पर यहाँ पे कोहरे की वजह से बर्फ़ की वजह से कुछ इस समय दिख नहीं रहा। तो बड़ा सही मौसम है, सही नहीं एक्चुअली ठंडा मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है, बहुत ठंडा।
डे 3 पे मैं गुलमर्ग से जा रहा हूँ। जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर भी जाना है, ब्लॉग को एडिट भी करना है, पोस्ट भी करना है, सब करना है, क्योंकि यहाँ पर तो इंटरनेट है नहीं। तो 3 दिन से लगातार स्नोफॉल हो रहा था, आज स्नो रुका है, एंड आपको आज पीछे का पूरा व्यू देखने को मिलेगा, पूरा व्यू, यू नो, फुल 360 एंगल। यह है कुछ ऐसा सा सीन है, पीछे पहाड़ वगैरह बहुत बर्फ उन बच्चे का से दिख रही है। एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय गुलमर्ग, फिर मिलेंगे, और सो बाय। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली, पूरा फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है। एंड यस, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल युगसंभव @युगसंभव, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो फॉलो, वहाँ पे बहुत फोटोज वगैरह डालता रहता हूँ ट्रिप्स की। अगर आपको ऐसे व्लॉग्स अच्छा लगा और चाहिए या मैं वो डालूँगा, मैं कमेंट करके बताओ कैसा है क्या है। बाय, टेक।